नमस्ते, मैं अशोक मनवानी और मेरे साथ कुलंजन दुबे मनवानी, जो पिछले 26 सालों से हम दोनों इंडियन पर्ल कल्चर के नाम से जाने जाते हैं। इंडियन पर्ल कल्चर हमारा सपना था कि हम लोग भारतीय मोती के नाम से जाने जाएं और हमारे देश में भारतीय मोती उगे। इसके लिए हमने 20 साल फ्रेश वाटर अवेयरनेस पर्ल कल्चर का काम किया। आप किसी भी राज्य में जाइए, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे केरल हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, पश्चिम बंगाल हो, यही दो पगले जो हैं, हम जाते थे और मोती उगा के किसानों को समझाते थे कि मोती उगता है। तो डिज़ाइन पर्ल कल्चर जो आप देख रहे हैं, तो डिज़ाइन पर्ल कल्चर आज पूरे देश में उगता है। ये कम टूल्स से काम चल जाता है, इसके लिए हमने कई टूल्स भी बनाए थे फ्रेश वाटर पर्ल कल्चर में। जो डिज़ाइन पर्ल कल्चर आज लोग कर रहे हैं, इसके लिए हमें सारे नेशनल अवार्ड भारत सरकार के सभी संस्थानों हमें दिए, धन्यवाद। अब हम लोग ने ये पाया कि हम लोग अभी राउंड पर्ल करना चाहिए, नॉन न्यूक्लेटेड पर्ल करना चाहिए। उसके लिए हमारे पास टूल्स नहीं थे, तो हमने टूल्स इंडस्ट्री डेवलप की और जो मोती बन जाता है उसको काट के उसके पेंडेंट इंडस्ट्री भी हमने डेवलप की। इससे पेंडेंट्स है, ये पेंडेंट्स के अंदर ये जो मोती है हमारे कट करके लगाए जाते हैं, ये हमने भी डेवलप किया। पूरी इंडस्ट्री जैसे आप देख रहे हैं, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये हमारा 18वां प्रोजेक्ट है। हम अलग अलग जगह जाके अलग अलग सीपीओ पे अध्ययन करते हैं और अलग अलग रिजल्ट के डाटा हमें प्राप्त होते हैं। वही डाटा है जो हम किसान के साथ शेयर करते हैं, मेलों में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में शेयर करते हैं। अब हम ये जो पर्ल बन जाता है तो उसको हम काटते हैं, ये कट हो जाता है, इसको कट करके और इसको राउंड करके उसके पेंडेंट के हिसाब से हम सेट कर लेते हैं। ये पेंडेंट्स रिंग्स वगैरह भी हमने बनाई है, ये जो रिंग्स है इसमें पूरा वो सेट हो जाता है और ये ज्वेलरी में काम आता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ये सर्जरी टूल किट। ये जो हमने टूल्स किट बनाई, ये जो हम गोनाडल सर्जरी करते हैं राउंड पर्ल्स के लिए, राइस पर्ल्स के लिए, तो ये हमने टूल्स किट बनाई और इसको नीचे ऊपर कर सकते हैं। ये बहुत सरल तरीके से हमने बनाने की कोशिश की कि ये किसान जो है बड़ी आसानी से इसका ऑपरेशन कर सके। अब आइए मैं दूसरे टूल्स दिखाता हूँ। तो ये जो है ये स्पेचुला है, ये 7 प्रकार के हमने बनाए क्योंकि शेल्स के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो उनमें किस में कौन सा लगता है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो राउंड न्यूक्लियस उठाना है या पर्ल बन जाता है पेट में, उसको निकालने के लिए भी इस्तेमाल होता है, इसमें भी हमारे 2 रेंज हैं। और टिश्यू काट करने के लिए, कट करने के लिए ये जो आपको टिश्यू कटर है, ये भी हमारे पास 2 रेंज में है। ओपनर, ये हमारा इनोवेंट ओपनर है, इसका नाम AK ओपनर है, इससे सी बड़ी आसानी से खुल जाता है, ये भी हमारे पास सभी रेंज में है। 12 रेंज आती है, छोटे से सिप से लेके बड़े सिप तक सभी खोल लेता है। और ये न्यूक्लियस, राउंड न्यूक्लियस उठाने के लिए है, ये अलग अलग इसके रेंज है, ये 6 प्रकार की रेंज है हमारे पास। ये डिज़ाइन न्यूक्लियस, जैसे हम डिज़ाइन कोई न्यूक्लियस है तो उसको उठाने के लिए, ये डिज़ाइन न्यूक्लियस का हमने ये नया इनोवेंट किया है, ये मशीनों में था नहीं। हमने जापान चाइना के टूल्स किट से अच्छे टूल्स किट बनाने की कोशिश की है। ये इंडियन टूल्स है, ये टिश्यू कल्चर काट करने के लिए, ये भी आप देख रहे थे, ये बड़ा टिश्यू कल्चर जो बड़े शेल्स के लिए, ये छोटे शेल्स के लिए हमने इसमें भी रेंज बनाई है। जब हम गोनाडल टूल किट, जो गोनाडल ऑपरेशन करते हैं तो उसका ब्लेड में काम होता है, तो ये ब्लेड कट करने के लिए उसके पेट में गोनाडल, ये ब्लेड का काम करता है, इसमें भी 3 रेंज है। पर्ल बन जाता है तो उसको निकालने के लिए या न्यूक्लियस को इम्प्लांट करते समय भी ये काम आता है। टिश्यू, जब हम टिश्यू इम्प्लांट करते हैं, हम एक मसल को काटते हैं और उसका टिश्यू लेते हैं और 10 मसल्स में इम्प्लांट करते हैं नॉन न्यूक्लियेटेड पर्ल बनाने के लिए भी, इसमें भी हमारे पास 6 प्रकार की रेंज है। ये जो छोटे छोटे न्यूक्लियस उठाने के लिए या छोटे राइस पर्ल्स निकालने के लिए बिना सिप को मारे, तब आपको ये टूल्स की ज़रूरत लगती है। तो ये दूसरे भी जो टूल्स हैं, जैसे राउंड वाला जो टूल्स है, ये 6 रेंज में मैंने आपको बताया, ये आपको अलग अलग साइज़ में मिल जाते हैं। जो टिश्यू कट करने के लिए, ये भी हमारे पास अलग अलग राइज में मिल जाते हैं। स्पेचुला मैंने तो आपको बताया कि बहुत सारे रेंज हैं हमारे पास। जो पर्ल बन जाते हैं उनके लिए जो हम ये भी पेंडन भी बनाए हैं कि आप उसे पेंडन में खुद बनाएं, जैसे शेल्फ में पर्ल जो है इस सेल में रहता है, तो इस सेल्फ में से हम किस तरह से निकालें या उसको कट करें, ये तो आप आरी से भी कट कर सकते हैं और उसकी साइज़ के हिसाब से जैसा आपको साइज़ अच्छा लगता है वैसा आप उसके अंदर उसको, जो हमारा रफ पेपर आता है जिससे हम लोग दीवार को घसते हैं, उसी से आप घर में ही कर सकते हैं। तो ये सारे हमने
कोशिश की है कि हम किसानों को बहुत अच्छी आय की तरफ बढ़ा जाएं। जैसे हमने पहले मछली के साथ मोती बोलते थे, अब मोती के साथ जो है अपनी इंडस्ट्री भी लगाएं किसान, तब हम जाके एक ब्रांड बनेंगे, हम विश्व में अपना नाम कर पाएंगे। हमारा सपना ही यही है कि भारतीय मोती विश्व में अपनी चमक, अपनी पहचान बनाए। इसके लिए हमने भी अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, 2030 विश्व में भारत पहले क्रमांक पे ला के रहेंगे। और हम पैशनेबल लोग हैं, हमें कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, हमने सब कठिनाइयों को पार करते हुए यहाँ तक आए हैं। आज अब भारत में मोती उग रहा है, बड़ी खुशी और बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज किसान इस ओर बढ़ गए हैं। उन्हें उनके गाँव में जाली मिल जाती है, उनके यहाँ सीप मिल जाते हैं। तो सीप जो है अलग अलग प्रकारों में, जैसे छोटा सीप है तो हम इसमें दो करते हैं, बड़ा है तो चार छः भी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ें, आगे की यात्रा करें और अपने देश को, अपने राष्ट्र को राष्ट्र निर्माण की तरफ बढ़ाएं और मोती उत्पादन करें। किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी डिपार्टमेंट में, कहीं भी हमारी ज़रूरत, जो हमारे 26 साल लगे हैं इस टेक्नोलॉजी को समझने में, हम हरदम तैयार रहते हैं। कोई भी प्रोग्राम हो हम जाते हैं और हम अपना योगदान जो हमने पाया है वो हम अपना शेयर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।